जब आपके घर का कुछ सामान खराब हो जाता है और आप उसे फेंक देते हैं तो उसे जाहिर तौर पर कबाड़ का नाम दे दिया जाता है। लेकिन आज हम इस कबाड़ से किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं उस चीज का आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट बॉक्स पर लिखना है कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं विनय कटोच, जो कि ये बिजनेस संभाल रहे हैं। कितने साल हो गए आप? मुझे 12-13 साल हो गए। कहाँ से शुरुआत हुई? जीरो से, मतलब मार्केट में इतना खास पता नहीं था, तो मेरे पास थोड़ा सा कबाड़ था, मैं दुकान पे लेकर गया तो दुकान वाला मुझे भगाता है कि कहाँ से चोरी करके तो नहीं लाया है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे पिताजी बीमार थे तो मैंने वो सामान दिया, दूसरी बार फिर लेकर गया, फिर दिया तो कोई दवाई दारू की, मैंने कहा ये काम, यही घर पर सलाह हुई हमारी तो यही काम कर लेते हैं। फिर काम करने लगे थोड़ा थोड़ा सा, मतलब मेरे पास पहले वो जो स्प्रिंग वाला कांटा होता था उससे चालू किया था, फिर उसके बाद पिताजी थोड़ा ठीक हो गए थे, उन्होंने बट्टे वाला कांटा लगवा दिया मीटर, फिर उसके बाद एक मीटर वाला लिया, आज बड़ा कांटा ले लिया है 5 क्विंटल वाला। ऐसा पहले शुरू में नहीं लगाया था, कुछ चुगाई की थी मैंने, लोग सोए रहते थे और मैं जाकर रात को उठकर 10-11 बजे जाकर या सुबह 5 बजे उठकर मैंने सामान इकट्ठा करना है, फिर वो कर माल फिर थोड़ा थोड़ा बेचा, मतलब यही था कि कुछ यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया और 500-700 रुपये से काम स्टार्ट किया था। आज लगभग पर डे मेरा कम से कम 50 भी चला जाता है, 1000 का, 10-20 का भी होता है काम, तो मतलब नॉर्मल का ये लगा लो कि 30-40-50-60 तक चला जाता है काम। इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर आपकी बात करूँगा, किसी को बिजनेस शुरू करना है तो उसको स्टार्टिंग कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा छोटे स्तर पर? कम से कम 40-50 हज़ार। तो ये सामान कहाँ से आता है? ये अपना जैसे लोग इकट्ठा करते हैं, लोगों का घर का वेस्टेज होता है वो होता है, और दुकानें होती हैं उनका वेस्टेज होता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हम लोग हमारे घरों के आसपास जो कबाड़ी हमें दिखते हैं, जो सामान उठाते हैं, वो आपके पास सामान देकर जाते हैं? जी, वो हमारे पास सामान देकर जाते हैं। तो उनके साथ कांटेक्ट किस तरह से होता है? वो फेरी वाले रखे होते हैं, जैसे वो माल लेकर आते हैं, उनको बुला लेते हैं लोग, तो वो माल लेकर आते हैं वहाँ से, तो हम लोग आगे सेल कर देते हैं उनसे खरीद कर। अच्छा, तो उनको कितनी दिहाड़ी? वो उनके एक किस्म की कमीशन होता है, कोई 200 रुपये भी कमाता है, कोई 500 भी कमाता है, कोई 1000 भी कमाता है। अगर 1 रुपये के जी रखो तो, अगर 5-7 क्विंटल माल है तो 500-700 या 1000 तो कहीं गया नहीं। तो मशीन कितने तक की आती है? मशीन अपना 3-4 लाख की है, 5-7 लाख की भी है। कटर होता है लोहे काटने वाला, और प्लास्टिक के लिए ग्राइंडिंग होता है, वो मशीन 2-3 लाख से शुरू है, और प्रेस करने के लिए पैट बोतल प्रेस करते हैं तो वो भी इतने की है, 3-4 लाख से शुरू। कितने वर्कर्स हैं? मेरे पास इस वक्त 7-8 वर्कर हैं, अभी तो हम 3 ही हैं। अगर 3 या 4 जने लगे हम तो 2000 रुपये पर डे आ जाता है खर्चा। तो प्रॉफिट उसमें कितना निकल जाता है? अगर लगने लगे तो 1000-1500 की भी लग जाती है, तो 2-3 हज़ार की भी लग जाती है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं? मेरा कहना तो यही है कि जब तक हम मिट्टी में मिट्टी नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी नहीं है, बीच में दिक्कतें आती हैं, बस चलता रहता है सिस्टम। एंड में आपसे बिजनेस टिप्स लेना चाहेंगे, जल्दी में जितने आप बिजनेस टिप्स देना चाहें। अपनी मेहनत से, लगन से काम करो, तभी तरक्की हो सकती है बंदे की। किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस? हाँ जी। क्या लाइसेंस? मतलब लाइसेंस होता है अपना, एक तो GST होता है और दूसरा कमेटी वाले बना के देते हैं, हमारा कमेटी एरिया है या फिर पंचायत एरिया, वो उनसे थ्रू बनता है। ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं, दफ्तर में जाके बनवाना है। तो चलिए, ये थे विनय कटोच, जिनका कबाड़ का अपना बिजनेस है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और आज इनकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। इतनी सेविंग तो हो ही जाती है कि ये अपना घर बाहर चला सकते हैं और आराम से अपना अच्छा सा लाइफस्टाइल बना सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, जैसे मैं इनको देख रही हूँ, और सुबह भी हम जब यहाँ पर पहुँचे तो ये खुद काम कर रहे थे,
जबकि ये ओनर हैं, इनके पास अपने वर्कर्स हैं, तो लेकिन खुद काम कर रहे थे। और जैसा कि उन्होंने खुद भी बोला कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मिट्टी से मिट्टी को ढूंढें, और जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते आप तब तक कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो जाहिर तौर पर आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं उसमें दिल जान लगा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने ये शख्स लगा रखा है तो ये उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है। आप जब तक उस काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते वो काम आपको अपना नहीं बना सकता। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एक बार फिर से आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको किस तरह के वीडियोस आगे पसंद है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।